हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी बच्चों का इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, इससे पहले हमने देखे थे हमारी रोज़ की क्लास। किसी क्लास देखे थे बच्चों? रोज़ की क्लास, जिसमें क्या देखे थे हमने? रोज़ का क्लासिफिकेशन देखे थे, है ना। रोज़ कैसे कैसा फूल है ना। रोज़ में ऑयल कितना परसेंट पाया जाता है ना। और इसमें क्या बनाया जाता है, इससे प्रवर्धन किया जाता है, टी बडिंग की जाती है, कलम लगाई जाती है, कलम कब लगाई जाती है ना। तो ये हमने रोज़ के बारे में पढ़े थे। और आज हम देखने वाले हैं बच्चे किसके बारे में? गुलदावरी के बारे में, या जिसे सेवंती के नाम से भी जानते हैं। किसके बारे में? गुलदावरी के बारे में, या जिसे हम सेवंती के नाम से भी जानते हैं। आप सभी लोगों ने देखे होंगे सेवंती, है ना। आप लोगों के घर में लगी होंगी सेवंती, आप लोगों ने कहीं पार्क में देखे होंगे, आप लोग कहीं फूल लेने गए होंगे तो सेवंती के फूल देखे होंगे, है ना। तो सेवंती आई होप आप सभी लोगों ने देखे होंगे, है ना। तो आज हम सेवंती का वर्गीकरण पढ़ते हैं आपके पीएटी में, है ना। सेवंती की क्रॉप का, एक सेकेंड रुक जाइए बच्चों। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सेवंती की। किसकी बात कर रहे थे बच्चों? सेवंती की बात करते हैं। सेवंती को हम लोग क्या बोलते हैं? क्राइसेंथेमम के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में? क्राइसेंथेमम के रूप में भी, ये क्राइसेंथेमम के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग सेवंती बात करते हैं क्राइसेंथेमम की, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है ना। क्राइसेंथेमम का वानस्पतिक नाम की बात करते बच्चों, तो क्राइसेंथेमम का वानस्पतिक नाम है क्राइसेंथेमम इंडिका। क्या है? क्राइसेंथेमम इंडिका। बोलिए क्राइसेंथेमम इंडिया। बोलने में बहुत थोड़ी वो आ रही होंगी, आ रही होंगी, फिर भी रिपीट करिए, कुछ नहीं होता, हम पास में बैठे हैं, है ना। तो बोलिए क्राइसेंथेमम इंडिका। क्या है क्राइसेंथेमम इंडिका? क्राइसेंथेमम का बॉटनिकल नाम है। अब इसके कुल की बात करते हैं, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है की बात करते हैं, तो कंपोजिटी, एसिडेसी, या किसकी? काइजेंथेसिस की बात करते हैं, इस फैमिली से बिलोंग करता है ना। उसके बाद बात करते हैं उत्पत्ति की, तो जापान और चीन क्या माना जाता है? क्राइसेंथेमम का उत्पत्ति स्थान माना जाता है ना। गुलदावरी या सेवंती बोलते, जिसे हम, उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? जापान या क्या है? चीन, उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अब बात करते हैं इसके गुणसूत्र नंबर की। क्राइसेंथेमम के गुणसूत्र नंबर की बात करते हैं बच्चों, तो क्राइसेंथेमम के गुणसूत्र नंबर कितना होता है? तो 36 इसका गुणसूत्र होता है। क्राइसेंथेमम का गुणसूत्र कितना होता है? तो क्राइसेंथेमम का गुणसूत्र 36 होता है। तथा इसे ऑटम क्वीन, पूर्व की महिमा, है ना, और जापान का राष्ट्रीय फूल के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नामों से जाना जाता है बच्चों? तो हम इसे आर्टम क्वीन, पूर्व की महिमा, जापान का राष्ट्रीय फूल के नाम से भी जानते हैं। हमने क्या क्या देखे? किसका? क्राइजेंथेमम की बात की, है ना। किसकी बात की बच्चों? हमने क्राइजेंथेमम की बात की, जिसको क्या बोलते हैं? गुलदावरी के नाम से जानते हैं। और किसके नाम से जानते हैं बच्चों हम लोग इसको? सेवंती या चंद्रमालिका के नाम से भी जानते हैं, है ना। जिसमें हम लोग इसका बॉटनिकल नेम देखे, क्राइसेंथेमम इंडिका इसका बॉटनिकल नेम था। और इसकी फैमिली क्या थी? कंपोजिटी एस्टरेसी, है ना, इसकी क्या थी? फैमिली थी। इसके बाद उत्पत्ति की बात करते तो जापान और चीन क्या होता है बच्चों? क्राइसेंथेमम का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अब बात आती है किसकी? गुणसूत्र नंबर की, है ना। तो इसका 2n नंबर या गुणसूत्र नंबर कितना था? तो 36 इसका गुणसूत्र नंबर था। या इसे आर्टम क्वीन या पूर्व की महिमा या जापान का राष्ट्रीय फूल के नाम से भी जान रहे थे, है ना। इसके बाद देखिए बच्चों गुलदावरी के बारे में कि गुलदावरी क्या है, इसका प्रवर्धन कैसे होता है। तो इसका प्रवर्धन कैसे होता है बच्चों? तो स्कर्स के द्वारा इसका प्रवर्धन होता है। किसके द्वारा? स्कर्स के द्वारा इसका प्रवर्धन होता है। इसके बाद गुलदावरी का पौधा एक वर्षी व दो बहुवर्षी, कैसा? एक वर्षीय या बहुवर्षीय, कैसा पौधा? एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय दोनों प्रकार का पौधा है। गुलदावरी का पौधा कैसा बच्चों? एक वर्षीय या बहुवर्षीय दोनों प्रकार का पौधा क्या है? गुलदावरी का पौधा है। अब इसके प्रसारण की बात आती है, किसके? गुलदावरी के प्रसारण की बात आती है। तो गुलदावरी का प्रसारण किसके द्वारा होता है? तो किसके? एक वर्षीय में किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है। तथा बहुवर्षीय में किसके द्वारा होता है बच्चों? तो कलम तथा अंत भूस्तरी द्वारा इसका प्रवर्धन होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? गुलदावरी की बात करें तो गुलदावरी का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? गुलदावरी का प्रवर्धन कैसी किसके द्वारा होता है? एक वर्षीय में बीज के द्वारा होता है। तथा बहुवर्षीय में कलम तथा अंत भूस्तरी द्वारा क्या होता है? इसका प्रवर्धन होता है। किसका बच्चों? गुलदावरी का प्रवर्धन होता है। अब गुलदावरी का पौधा कैसा है? एक वर्षीय व द्विवर्ष, दो सबको पता है ना। इसके बाद स्कर्स द्वारा इसका क्या होता है? प्रवर्धन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं बुआई की। किसकी बात करते हैं बच्चों? बुआई की, है ना। तो सितंबर के माह में कब बोते हैं इसे? खेत में बोया जाता है ना। जब सितंबर में बुआई करते बच्चों, तो सितंबर में इसकी बुआई कब करते हैं? सितंबर में इसकी
बुआई करते हैं खेत में, जब खेत में बुआई करनी हो तो, खेत में बुआई करनी हो तो सितंबर में इसकी बुआई करते हैं। वैसे तो वर्ष भर हम लोग इसको क्या करते हैं, गमले में लगाते हैं। वर्ष भर क्या करते हैं, इसे गमले में लगाया जाता है, परंतु अगर खेत में बुआई करनी हो तो कब करेंगे, सितंबर में इसकी बुआई करेंगे, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, गुलदावरी की बात कर रहे हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद देखिए गुलदावरी के बारे में सिंचाई के बाद, सॉरी गुलदावरी के पौधे में सिंचाई की बात करते हैं ना, गुलदावरी के पौधे में सिंचाई की बात करते हैं बच्चों। तो सिंचाई में देखिए, सबसे पहले हमारे देखे सिंचाई गमले में प्रति सप्ताह करते हैं ना, गमले में क्या करते हैं, प्रति सप्ताह दो सिंचाई देनी चाहिए। गमले में प्रति सप्ताह कितनी सिंचाई, दो सिंचाई देनी चाहिए। तथा खेत में कब देना चाहिए, प्रति सप्ताह एक सिंचाई देना चाहिए। अगर खेत में हम लोग इसकी खेती कर रहे हैं तो प्रति सप्ताह कितनी सिंचाई देना चाहिए, एक सिंचाई देना चाहिए, है ना। अब फूल की बात करते हैं ना, किसके फूल की, गुलदावरी के फूल की बात करते हैं। तो रुपाई के 2 से 2.5, मतलब 2 से 2.5 माह बाद क्या हो जाते हैं, इसके फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं, है ना। उसके बाद मुख्य रूप से दिसंबर व फरवरी माह में, है ना, दिसंबर से फरवरी तक क्या होते हैं, इसके फूल क्या होते हैं, माह तक प्राप्त होते हैं। कब तक, दिसंबर से फरवरी माह तक इसके फूल प्राप्त होते हैं। गुलदावरी में कौन सी बडिंग की जाती है, तो डिस बडिंग करते हैं। गुलदावरी में क्या की जाती है बच्चों, तो गुलदावरी में डिस बडिंग की जाती है ना, गुलदावरी में क्या की जाती है, तो गुलदावरी में डिस बडिंग करते हैं। अब इसकी उपज पूछता है ना, तो 6 टन प्रति हेक्टेयर क्या होती है, गुलदावरी की उपज होती है, कितनी होती है, 6 टन प्रति हेक्टेयर गुलदावरी की उपज होती है। इसके बाद देखिए गुलदावरी की उपज, देखिए लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हम लोगों ने क्या देखे, है ना। हमने क्या देखे, क्राइसैंथेमम के बारे में, क्राइसैंथेमम के बारे में देखे हमने कि क्राइसैंथेमम का बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों क्राइसैंथेमम का बॉटनिकल नेम, क्राइसैंथेमम का बॉटनिकल नेम होता है क्राइसैंथेमम इंडिका। क्या होता है, क्राइसैंथेमम इंडिका इसका बॉटनिकल नेम होता है। तथा कुल क्या होता है बच्चों, तो कंपोजिट इसका कुल होता है। उत्पत्ति स्थान क्या होता है, तो जापान और चीन इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। गुणसूत्र की संख्या की बात करें तो गुणसूत्र संख्या कितनी होती है बच्चों, तो 36, इसमें 36 जोड़ी गुणसूत्र संख्या पाई जाती है ना। इसके बाद देखते हैं इसे हम किस किस नाम से जान रहे हैं, तो आर्टम क्वीन के नाम से जान रहे हैं, पूर्व की महिमा के नाम से जान रहे हैं ना, जापान का राष्ट्रीय फूल के नाम से जान रहे हैं हम लोग इसे, है ना। उसके बाद देखते हैं प्रवर्धन की बात करते हैं, तो स्कर्स द्वारा, किसके द्वारा, स्कर्स द्वारा इसका प्रवर्धन करते हैं, किसका, गुलदावरी का, है ना। गुलदावरी का पौधा एक वर्षीय व बहुवर्षीय दोनों प्रकार का पौधा होता है। कैसा होता है, एक वर्षीय व बहुवर्षीय दोनों प्रकार का पौधा होता है। और इसका प्रसारण की बात करें बच्चों, तो एक वर्ष में और बहुवर्ष में प्रसारण की बात करें, तो एक वर्ष में प्रसारण करना हो तो बीज द्वारा, और बहुवर्ष में क्या, कलम तथा अंत भूस्तर द्वारा क्या करते हैं, इसका प्रसारण करते हैं। बुआई अगर हमको खेत में करनी हो तो कब करेंगे, सितंबर माह में करेंगे, है ना। अगर हमको बुआई इसकी गमले में करनी है तो वर्ष भर आप कभी 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 भी कर सकते हो वर्ष में, है ना। इसके बाद बात करते हैं सिंचाई की, है ना। तो गमले में प्रति सप्ताह 2 सिंचाई, है ना, सॉरी गमले में प्रति सप्ताह 2 सिंचाई देनी चाहिए, है ना। खेत में क्या, प्रति सप्ताह 1 सिंचाई देनी चाहिए। अब बात करते हैं फूल की, है ना। रुपाई के 2 से 2.5 माह बाद, कितने, रुपाई से 2 से 2.5 माह बाद क्या हो जाते हैं, फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं। मुख्य रूप से दिसंबर फरवरी माह तक क्या करते हैं, इसके फूल आते हैं। गुलदावरी में क्या होती है, तो डिस बडिंग, है ना। गुलदावरी में क्या करते हैं, डिस बडिंग करते हैं। हम लोगों ने गुलाब में देखे थे कि डिस बडिंग क्या होती है ना, तो गुलाब में क्या करते हैं, सॉरी गुलदावरी में क्या करते हैं, डिस बडिंग करते हैं। उपज क्या होती है, तो 6 टन प्रति हेक्टेयर क्या होती है, इसकी उपज होती है। इसके बाद देखते हैं बच्चों गुलदावरी की प्रजातियों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, गुलदावरी की प्रजातियों के बारे में बात करते हैं बच्चों, की गुलदावरी की प्रजातियां कौन कौन सी होती है। तो गुलदावरी की प्रजातियों के बारे में देखते हैं, पहली प्रजाति हमारी क्या है, बहुवर्षीय प्रजातियां। किसकी प्रजाति बच्चों, गुलदावरी की प्रजातियों के बारे में बात करते हैं। पहली क्या है, बहुवर्षीय प्रजाति, है ना। तो बहुवर्षीय प्रजाति में देखते हैं क्राइसैंथेमम, है ना, क्या है, गोंडी फ्लोरम, क्या है, क्राइसैंथेमम गोंडी फ्लोरम, है ना। उसके बाद देखते हैं क्राइसैंथेमम कुटिसेशन, है ना, कुटिशंस, है ना, क्या है, क्राइसैंथेमम कुटिशंस, है ना, क्राइसैंथेमम फ्लोरिस्ट, क्लाइजेंथिमम फ्लोरिस्ट, इसकी क्या है, बहुवर्षीय प्रजाति है। अब एक वर्षीय प्रजाति की बात करते हैं बच्चों, तो का देखिए एक वर्षीय प्रजाति, एक सेकेंड रुकिए,
एक वर्षीय प्रजाति की बात करते तो क्राइसेंथेमम केली नेटम और क्राइसेंथेमम कोटी लोरियम है ना, इसी क्या है, एक वर्षीय प्रजातियां है। अब जातियां की बात करते हैं, और देसी जातियां जिसमें शारदा है ना, बसंती, बसंतिका, बिरबल है ना, बिरबल साहिनी, कुंदन, हिमानी, रिमझिम, शरद और श्रृंगार, इंद्रा है ना, चंद्रकांता, अप्सरा, स्वर्ण श्रृंगार इसकी प्रमुख वेराइटियाँ थी है ना। गुलदावदी की प्रजातियों की बात करते हैं तो गुलदावदी की प्रजातियों में सबसे पहली प्रजाति हमारी क्या थी, बहुवर्षीय प्रजाति, जिसमें हम लोग नाम ही आ रहा था सामने है ना, पीछे लग रही थी वेराइटियाँ परंतु नाम सामने था, क्या आ रहा था, क्राइसैंथेमम गोंडी गोंडीफ्लोरम है ना, इसमें क्या था, क्राइसैंथेमम गोंडीफ्लोरम, क्राइसैंथेमम कुटिसेंस, क्राइसैंथेमम फ्लोरिस्ट इसकी क्या थी, प्रमुख बहुवर्षीय प्रजातियां थी। अब बात करते हैं एक वर्षीय प्रजाति की, तो क्राइसैंथेमम केलीनेटस, सॉरी केली नेट नेट नेटतर केली नेटत है ना, सॉरी बच्चों क्या है, केली नेटत क्राइसैंथेमम कोटी लेरियम है ना, इसकी क्या थी, एक वर्षीय प्रजाति थी, क्या 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 थी, क्राइसैंथेमम केली नेटत है ना, क्राइसैंथेमम कोटी लेरियम इसकी क्या थी, प्रजातियां थी। अब जातियां और देश जातियों की बात करते हैं, कौन कौन सी, विदेशी और देश जातियों की बात करते हैं, तो देश जातियों में क्या थी, शारदा, बसंती, बसंतिका, बिरबल, साहिनी, कुंदन है ना, हिमानी और रिमझिम, शरद, श्रृंगार, इंद्रा, चंद्रकांता और क्या आ रही थी, अप्सरा, स्वर्णा और श्रृंगार क्या थी इसकी, आदि जातियां थी। अब विदेशी जातियों की बात करते बच्चों है ना, किसकी, विदेशी जातियों की बात करते तो विदेशी जातियों में क्या आ रही है, विलियम टर्नर है ना, और क्या आ रही है, क्या थी, चंगेज खान, स्नबगोल है ना, और सुपर जाइंट डायमंड जुबली आदि, डायमंड जुबली आदि क्या थी इसकी, विदेश जाति होती है ना। अब इसके बाद इन सभी जातियों में सफेद व लाल, पीले व बैगनी रंग के फूल आते हैं। अब इन सब जातियों में कैसे फूल आते हैं बच्चों, तो सफेद व लाल व पीले बैगनी रंग के फूल आते हैं, इन सब जातियों की बात की हमने। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट हमारी इसकी बीमारियों की, किसकी, गुलदावदी की बीमारियों की बात करते हैं, तो गुलदावदी में लगने वाली बीमारी कौन कौन सी है, काला धब्बा रोग, कौन सा है, काला धब्बा रोग, ब्लैक स्पॉट के नाम से जानते हैं, जड़ सड़न तथा लीफ रॉस नामक बीमारियां भी इसमें आती है ना। अब कीट की बात करते हैं तो गुलदावदी में थिप्स ईयर बग नामक कीट आते हैं। अब थिप्स तो आप लोग बहुत जगह पढ़ते हो ना, कौन से कीट आते हैं, थिप्स व ईयर बग नामक कीट काय में आते हैं, गुलदावदी में आते हैं, कौन कौन से कीट, थिप्स व ईयर बग, बोलिए थिप्स व ईयर बग इसमें कीट आते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग गुलदावदी को, गुलदावदी का क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्या देखे, गुलदावदी का नाम देखे थे, गुलदावदी का नाम देखिए क्या था, क्राइसैंथेमम इंडिकम, क्या नाम था, क्राइसैंथेमम इंडिकम नाम था, कंपोजिटिकुल जापान तथा चीन उत्पत्ति स्थान था, 36 का 2N नंबर था, इसे आइटम क्वीन के नाम से तथा पूर्व महीनवा और जापान का राष्ट्रीय फूल के नाम से जान रहे थे है ना। प्रवर्धन शर्करा द्वारा हो रहा था। गुलदावदी का पौधा एक वर्षीय बहुवर्षीय दोनों प्रकार का होता है ना। प्रसारण एक वर्षीय में बीज द्वारा होता है और बहुवर्षीय में किसके द्वारा, कलम तथा अंत भूस्तर द्वारा होता है। बुआई सितंबर में कर रहे थे, वर्ष भर गमले में बुआई की जा रही थी। सिंचाई गमले प्रति सप्ताह 2 सिंचाई, खेत प्रति सप्ताह एक सिंचाई कर रहे थे। फूल है ना, इसमें फूल कब आते हैं, इसमें रुपाई के कितने, 2 से 2.5 माह बाद क्या आते हैं, फूल आने लग जाते हैं ना, और मुख्य दिसंबर से फरवरी तक इसमें फूल आते हैं। गुलदावदी में क्या हो रही थी, डिसबर्डिंग हो रही थी तथा 6 टन प्रति हेक्टेयर की उपज इसमें हो रही थी। गुलदावदी की प्रजातियां देखते हैं तो गुलदावदी में आने वाली प्रजातियां क्या है बच्चों, बहुवर्षीय प्रजातियां क्या है, क्राइसैंथेमम गोंडी फ्लोरम थी और क्राइसैंथेमम कुटिसंस थी, क्राइसैंथेमम फ्लोरिस्ट थी इसकी प्रजातियां। और एक वर्षीय प्रजातियों की बात करते हैं तो बच्चों क्राइसैंथेमम केली सॉरी क्राइसैंथेमम केली नेटन थी और क्राइसैंथेमम कोटिलेरियन थी, कोटेरेलियन थी। और जातियों की बात करते हैं, देश जातियों में शारदा, बसंती, बसंतिका, बिरबल है ना, साही, कुंदन, हिमानी, रिमझिम, शारदा और श्रृंगार, इंद्रा और क्या थी बच्चों इसकी जातियाँ, चंद्रकांता, अप्सरा, स्वर्ण श्रृंगार इसकी क्या थी, देसी जातियाँ थी। तब विदेशी जातियों की बात करते हैं, विदेशी जातियों में क्या थी, विलियन टर्नर थी है ना, और क्या थी, चंगेज खान थी, स्नबगोल थी, सुपर जाइंट थी और डायमंड जुबली इसकी विदेशी किस्म थी। अब इसमें फूल कैसे आते हैं, सफेद तथा लाल तथा पीले रंग के फूल आते हैं, किसने बच्चों, गुलदावदी की बात की हम लोगों ने है ना। गुलदावदी के आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखी गुलदावदी की बात
के बारे में है ना, गुलदावदी में कौन कौन से फूल आते हैं और कैसे कैसे कलर के आते हैं। तो अब बात करते हैं बीमारी की। गुलदावदी का काला धब्बा रोग है ना, कौन सा? गुलदावदी का काला धब्बा रोग, जिसमें और फिर आ रही थी जड़ सड़न हो जाता था, लीफ रस्ट भी नामक बीमारी भी किसमें आ रही थी? गुलदावदी में आ रही थी। अब गुलदावदी के कीट की बात करते हैं तो थिप्स है ना और ईयर बग नामक कीट क्या हो रहे थे? गुलदावदी में लग रहा था। तो गुलदावदी देख लिए बच्चों हम लोगों ने। अब गुलदावदी का हम लोग क्या देखेंगे? वैजंती। क्या देखेंगे? वैजंती या केली है ना, या केना के नाम से जानते हैं। तो वैजंती को देखने से पहले आप गुलदावदी के बारे में देख लीजिए। ऊपर देखिए गुलदावदी के बारे में, गुलदावदी कैसी फसल थी है ना। तो गुलदावदी कैसी फसल थी बच्चों, हम लोगों ने देख लिए बहुत अच्छे से इसमें फूल आ रहे थे और इसका प्रवर्धन भी शर्करा द्वारा हो रहा था है ना। अब हम किसे देखेंगे? वैजंती या केनी के बारे में देखेंगे है ना, केली के बारे में देखेंगे, इसको केना के नाम से जानते हैं ना। तो इसका वानस्पतिक नाम की बात करते हैं तो किसका? केना का बॉटनिकल नेम क्या है? केना इंडिका। क्या है? केना इंडिका। और कुल क्या है? केनिकेसी है ना, कुल क्या है? केनिकेसी या सिटेमिनेसी है ना। क्या? केनिकेसी या सिटेमिनेसी इसका कुल है। उत्पत्ति स्थान क्या है? उष्ण अमेरिका या भारत क्या होता है? केना का उत्पत्ति स्थान होता है। अब मैम केना क्या होता है? आप लोगों ने देखे ये फूल बिल्कुल गांव में दिखते हैं बहुत अच्छे से है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? केना। अब भूलोगे आप इसका फूल नहीं ना, पता पहचान लोगे कि केना क्या होता है। तो केना देख लिया आप लोगों ने, क्या नाम था? केना इंडिका। क्या नाम था बच्चों? केना इंडिका। कुल क्या था? केनिकेसी। केना इंडिका कुल क्या था? केनिकेसी है। उसके बाद देखिए इसका केनिकेसी के साथ क्या था? सिटी मिनेसी है ना। उत्पत्ति स्थान क्या था? उष्ण अमेरिका या भारत इसका उत्पत्ति स्थान था। केना एक एक बहुवर्षीय फूल वाला पौधा था जिसका तना भूमिगत होता है, जिसे हम राइजोम भी कहते हैं। केना क्या होता है? केना एक बहुवर्षीय फूल वाला पौधा है। कैसा फूल वाला पौधा है? केना एक बहुवर्षीय फूल वाला पौधा है जिसका तना क्या होता है? भूमिगत होता है। केना एक बहुवर्षीय फूल वाला पौधा है जिसका तना क्या होता है? भूमिगत होता है, जिसे हम किसे? राइजोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं बच्चों? हम इसे राइजोम के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या देखे केना में? केना का बॉटनिकल नेम देखे क्या था? केना इंडिका था। कुल क्या था? केनिकेसी था है ना। उत्पत्ति क्या थी? उष्ण अमेरिका या भारत इसकी उत्पत्ति स्थान थी। केना एक बहुवर्षीय फूल वाला पौधा था जिसका तना भूमिगत होता है। इसका केना का तना कैसा होता है? भूमिगत होता है, तथा जिसमें हम क्या करते हैं? राइजोम भी कहते हैं है ना। इसे हम क्या कहते हैं? राइजोम के नाम से भी जानते हैं है ना, उसके तने के। अब उसके देखते हैं प्रसारण की बात करते हैं, केने के प्रसारण की बात करते हैं बच्चों। तो केना के प्रसारण की बात करने से पहले देख लेते हैं कि इसका प्रसारण किससे होता है। तो केना का प्रसारण देखिए बच्चों, इसे बीज एवं प्रकंद है ना, बीज एवं प्रकंद, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? राइजोम, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखे है ना, राइजोम देखे हम थोड़ी देर पहले ही। तो इसका प्रसारण किससे हो रहा है? बीज एवं प्रकंद द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? बीज एवं प्रकंद द्वारा केना का क्या हो रहा है? प्रसारण हो रहा है। तथा बुआई व रुपाई की बात करते हैं, केना की बुआई व रुपाई की बात करते हैं, तो केना को बुआई व रुपाई कब होती है? वर्ष भर कर सकते हैं ना। केना की बुआई व रुपाई कब कर सकते हैं? तो केना की बुआई व रुपाई क्या करेंगे हम लोग? वर्ष भर केना की बुआई व रुपाई कर सकते हैं। उसके बाद पौध की ऊंचाई, कि पौधा कितना ऊंचा होता है? तो केना का पौधा 2 मीटर ऊंचा होता है। कितना? 2 मीटर ऊंचा क्या होता है? केना का पौधा होता है। पत्ते कैसे होते बच्चों? तो कासे एवं हरे रंग के है ना, कासे कलर के एवं हरे रंग के क्या होते हैं? केना के पौधे होते हैं। तो प्रसरण किसके द्वारा हो रहा था? बीज के द्वारा हो रहा था, या किसके द्वारा हो रहा था? राइजोम या प्रकंद के द्वारा हो रहा था है ना, जिसे हम राइजोम कह रहे थे। बीज या प्रकंद के द्वारा क्या हो रहा था? केने का क्या हो रहा था बच्चों? केने का प्रसारण हो रहा था। बुआई में व रुपाई की बात करें तो क्या कर रहे हैं? वर्ष भर हम इसको बुआई व रुपाई कर रहे हैं। पौधों की ऊंचाई 2 मीटर होती है। उसके पत्ते कासे एवं गहरे हरे रंग के हो रहे थे। अब बात करते हैं फसल अंतरण की। केना की फसल अंतरण में देखते हैं, केना 60 × 60 सेंटीमीटर पर लगाया जाता है। कितना बच्चों? 60 × 60 सेंटीमीटर पर क्या करते हैं? केना का प्रसारण किया जाता है, सॉरी फसल अंतरण किया जाता है, मतलब केना को 60 × 60 सेंटीमीटर पर लगाया जाता है। इसके बाद देखिए सबसे ज्यादा फूल वाला लाल व पीले रंग के आते हैं। केने के पौधे में सबसे ज्यादा फूल किस रंग के आते हैं पूछेगा, तो केने के पौधे में सबसे ज्यादा फूल कैसे रंग के आते हैं? तो लाल व पीले रंग के फूल क्या होते हैं? सबसे ज्यादा आते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम लोग केना की है ना, हम लोगों ने केना को देखे है ना। हाँ मैम देखिए गाँव में तो बहुत सारा मिलता दिखता है ना,
बस जानते नहीं कि इस फूल को किस नाम से जानते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा फूल क्या आ रहे थे, पीले व लाल रंग के आ रहे थे। कैसे आ रहे थे बच्चों, पीले व लाल रंग के सबसे ज्यादा फूल आ रहे थे किसके, केना के, है ना। उसके बाद देखते हैं शाखाओं को काटने की क्रिया क्या कहलाती है, मेटोकिंग। केना की शाखाओं को काटने की क्रिया क्या कहलाती थी, मेटोकिंग। बोलिए, केना की शाखाओं को काटना क्या कहला रहा है, मेटोकिंग के नाम से जाना जा रहा है। मेटोकिंग की क्रिया क्या है कि शाखाओं को काटने की क्रिया क्या कहला रही है, मेटोकिंग कहला रही है। रुपाई के 3 माह बाद, है ना, फूल आते हैं। इसमें क्या होते हैं, रुपाई कर दी हम लोगों ने, उसके 3 माह बाद क्या आ गया, फूल आना प्रारंभ हो गए, है ना। किसके, केना की बात कर रहे हैं हम लोग, केना की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, रुपाई के 3 माह बाद क्या हो रहे हैं, फूल आ रहे हैं, है ना। अब बात करते हैं सिंचाई की, है ना, केना की सिंचाई की बात करते हैं कि केना की सिंचाई कब होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में करते हैं बच्चों। तो ग्रीष्म ऋतु में कब करते हैं, 4 से 5 दिन के अंदर, है ना, कब, 4 से 5 दिन में करते हैं, तथा शीत ऋतु में 10 से 15 दिन में किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में कब करते हैं, तो 4 से 5 दिन, है ना, और शरद ऋतु में कब करते हैं, तो 10 से 15 दिन में, है ना। किसकी बात की हमने, केना की, और केना की सिंचाई के बारे में। तो सिंचाई कब हो रही थी, ग्रीष्म ऋतु में 4 से 5 दिन, और शरद ऋतु में 10 से 15 दिन में क्या हो रही थी, इसकी सिंचाई हो रही थी। अब बात करते हैं प्रजातियां या जातियों की इसकी, है ना। तो जातियां, उन्नतशील जातियां देखिए इसकी क्या है, प्रेसिडेंट, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, है ना, क्या है इसकी जातियां, प्रेसिडेंट ऑफ, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, है ना, ब्लैक नाइट, इसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स, है ना, इस क्या है, इम्प्रेस ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए पीले रंग की जातियों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा पीले व लाल रंग के ही फूल आ रहे थे, तो पीले रंग की बात करते हैं बच्चों, क्या है, वाटर कफ, है ना, गोल्डन ग्लोरी, है ना। अब गुलाबी रंग की बात करते हैं तो रोजिया, है ना, अलीपुर ब्यूटी। अब बात करते हैं दो रंग के फूलों की, गुलाब के नाम है, दो रंग के फूल भी आते हैं, तो दो रंग के फूल की बात करने वाले, ऑरेंज फ्लेम, है ना, स्टार ऑफ इंडिया, महाराजा और ग्वालियर, है ना, महाराजा ग्वालियर इसकी प्रमुख वेराइटी है। सफेद बात करते हैं तो सफेद में आइवरी चाइल्ड, है ना। आप बात करते हैं क्यू ने मेरी और माउंट एवरेस्ट, इसकी प्रमुख वेराइटी सफेद वाली, है ना। तो अब एक बार हम लोग केना का रिवीजन कर लेते हैं, है ना, जातियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, जातियों में प्रेसिडेंट, है ना, क्या थी, प्रेसिडेंट इसकी प्रमुख जाति थी। स्टेचू ऑफ लिबर्टी क्या थी, प्रेसिडेंट, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, है ना, ब्लैक नाइट, प्रिंट ऑफ वेल्ट, इम्प्रेस ऑफ इंडिया, है ना। अब पीले रंग की बात किए थे हम लोगों ने, तो पीले रंग की क्या थी, पीले रंग की प्रजातियां की किसमें कौन कौन सी थी, वाटर कफ, है ना, गोल्डन ग्लोरी। गुलाबी रंग की बोलिए बच्चों, क्या थी, रोजिया, अलीपी ब्यूटी, है ना। उसके बाद दो रंग वाली फूलों की बात किए थे तो क्या थी, ऑरेंज फ्लेम, स्टार ऑफ इंडिया, महाराजा ग्वालियर, इसकी दो रंग की वेराइटियाँ थी। सफेद की बात करें तो आइवरी चाइल्ड, है ना, क्यून मेरी, और क्या थी, माउंट एवरेस्ट, इसकी क्या थी, प्रमुख वेराइटियाँ थी किसकी, केना की। तो केना के बारे में देख लिए हम लोगों ने, अब केना का एक बार रिवीजन देख लेते हैं हम लोग, केना की फसल कैसी होती है ना। तो बोलिए बच्चों, केना का बॉटनिकल नेम क्या है, तो केना का वानस्पतिक नाम है केना इंडिका, क्या है, केना इंडिका। इसका कुल क्या है, इसका कुल है केने केसी, क्या कुल है, केने केसी इसका कुल है। तथा उष्ण क्या है, उष्ण अमेरिका का या भारत इसका उत्पत्ति स्थान है, क्या, उष्ण अमेरिका या भारत इसका उत्पत्ति स्थान है, किसका, केना का। केना का उत्पत्ति स्थान क्या है, उष्ण अमेरिका या भारत इसका उत्पत्ति स्थान है। केना एक बहुवर्षीय फूल वाला पौधा है, कैसा पौधा है बच्चों, तो केना एक बहुवर्षीय फूल वाला पौधा है जिसका तना क्या होता है, भूमिगत होता है। देखिए हम लोगों ने क्या देखे, केना एक बहुवर्षीय पौधा वाला पौधा था, है ना, केना कैसा था, एक बहुवर्षीय फूल वाला पौधा था जिसका तना भूमिगत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, राइजोम भी कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रसारण की बात करते हैं, तो बीज एवं प्रकंद, है ना, किसके द्वारा, बीज एवं प्रकंद या राइजोम द्वारा इसका प्रसारण होता है। बुआई व रुपाई की बात करते हैं, तो वर्ष भर इसकी बुआई रुपाई की जाती है। ऊंचाई 2 मीटर वाला पौधा होता है। पत्ते क्या होते हैं, कासे व गहरे हरे रंग के पौधे होते हैं, है ना। और फसल अंतरण की बात करते हैं, तो 30x60x60 पर इसे लगाया जाता है। सबसे ज्यादा फूल लाल व पीले रंग के
आते हैं। अब शाखाओं को काटने की क्रिया कहलाती है मोटोकिंग कहलाती है, केना के शाखाओं काटने की क्रिया मोटोकिंग कहलाती है। रुपाई 3 माह बाद क्या होते हैं, फूलाना प्रारंभ हो जाते हैं। रुपाई कर दिए उसके क्या हो गया, 3 माह बाद उसके फूलाना प्रारंभ हो जाते हैं, है ना। सिंचाई ग्रीष्म ऋतु में 4 से 5 दिन में करते हैं और शरद ऋतु में 10 से 15 दिन में इसकी सिंचाई की जाती है। अब जातियों की बात करते हैं बच्चों, किसकी जातियों की बात करते हैं हम लोग, किसकी जातियां कौन सी है। प्रेसिडेंट, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, है ना, ब्लैक नाइट, प्रिंट ऑफ वेल्स, इम्प्रेस ऑफ इंडिया, है ना, पीले रंग की वाटर पीले रंग की वैरायटियां देखिए बच्चों, पीले रंग की क्या है, वाटर कप, गोल्डन गिल्लोरी, गुलाबी रंग की रोजिया, अलीपुर ब्यूटी क्या है इसकी प्रमुख वैरायटी है। दो रंग वाले फूल वाली ऑरेंज फ्लेम, है ना, ऑरेंज फ्लेम, स्टार ऑफ इंडिया, महाराजा ग्वालियर, सफेद रंग की क्या है बच्चों सॉरी बच्चों, सफेद रंग की क्या है इसकी वैरायटियां, तो सफेद रंग की क्या है, आइवरी चाइल्ड और क्यूनमेरी माउंट एवरेस्ट, इसकी क्या है प्रमुख वेराइटी है ना। तो हम लोगों ने किसकी वेराइटियां देखे, केने की वेराइटियां देखे। इसके बाद हम लोग एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, किसकी वेराइटी है बच्चों, गुलदावरी की वेराइटी है। क्यों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट तो ये भी है परंतु ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसकी वेराइटी हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, गुलदावरी की वेराइटियां एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। क्या है गुलदावरी की वेराइटियां, तो क्या बहुवर्षीय प्रजाति में क्या आ रही, क्राइसेंथेमम, क्या आ रही, क्राइसेंथेमम गोल्डी फ्लोरम आती है, क्राइसेंथेमम कुटिसेंस आती है, क्राइसेंथेमम फ्लोरिस्ट आती है, इसकी बहुवर्षीय प्रजाति है ना। इसके बाद हमने क्या देखे, एक वर्षीय प्रजातियों की बात करते हैं जिसमें क्राइसेंथेमम केलिनेंटन आती है, केलिनेंटन आती है, क्राइसेंथेमम कोलिलेरियम आती है, इसकी एक वर्षीय प्रजातियां। इसकी देसी प्रजातियों की बात करते बच्चों, तो देसी प्रजातियों में क्या आती है, शारदा, बसंती, बसंतिका और बिरबल शाही, कुंदन, हिमानी, रिमझिम, शरद श्रृंगार, है ना, इंदिरा, चंद्रकांता, अप्सरा, स्वर्णा श्रृंगार, क्या है इसकी देसी प्रजाति, किसकी गुलदावरी की। अब विदेशी प्रजातियों की बात करते हैं तो विलियम टर्नर, है ना, चंगेज खान, स्नबगोल और सुपर जाइंट और डायमंड जुबली, क्या है इसकी विदेशी जातियों की बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके फूल की, फ्लावर की बात करते हैं कि इसमें कैसे कैसे फूल अधिक आते हैं, तो सफेद, लाल, पीले, बैगनी व नारंगी रंग के फूल अधिक आते हैं। किसकी बात किए थे, ये हमने गुलदावरी की बात किए थे, है ना। अब इसके कीट क्या थे, काला धब्बा, जड़ सड़न व लीफ रस्ट इसके प्रमुख कीट थे। इसकी गुलदावरी में क्या लग रहा था, थिप्स व ईयरबग नामक कीट अधिक लग रहा था। तो याद रखिए बच्चों, है ना, जो चीज इंपॉर्टेंट रहता है वो मैं 10 बार बोलती हूँ आपके सामने, है ना। इसके बाद हमने किसको देखे, वैजंती या केली को देखे, या केना के नाम से जानते हैं, केना इंडिका देखे, है ना, केनी कैसे देखे, बहुवर्षीय पौधा है ये, देखे इसकी वैरायटी एक बार देख लीजिए। जाति क्या है, प्रेसिडेंट स्टेचू ऑफ लिबर्टी, क्या है, प्रेसिडेंट स्टेचू ऑफ लिबर्टी, क्या है इसकी प्रमुख जातीय है, बोलिए क्या है, प्रेसिडेंट स्टेचू ऑफ लिबर्टी इसकी प्रमुख जातीय है। और क्या है, ब्लैक नाइट, प्रिंट क्या है, प्रिंस ऑफ वेल्स, इम्प्रेस ऑफ इंडिया, इसकी क्या है बच्चों प्रजाति है। तो रिपीट करिए आप लोग एक बार, प्रजातियां कौन कौन सी प्रजातियां, रिपीट करिए, प्रजातियां मतलब किसमें याद होना जरूरी है ना बच्चों। अगर कोई भी उठा के किसमें पूछ दिया आपको तो आपको उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये उसकी थी, ये उसकी थी, इससे अच्छा तो हम लोग यही याद कर ले और यही हम लोगों को याद हो जाए, है ना, कि ये उसकी प्रजातियां थी, कंफ्यूज ना हो। तो इसकी प्रजातियां आप एक बार देख लीजिए, इसके बाद रिपीट कर दूंगी मैं एक बार और फिर से, है ना। देख लिया आप लोगों ने, पढ़ लिया आप लोगों ने, अब इसके बाद मैं रिपीट कर रही हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलते जाइए, है ना। जातियों की बात करते हैं तो कौन सी जाति आई पहली, प्रेसिडेंट स्टेचू ऑफ लिबर्टी, कौन सी आई, प्रेसिडेंट स्टेचू ऑफ लिबर्टी, याद करिए, प्रेसिडेंट स्टेचू ऑफ लिबर्टी, है ना। अब फूलों की जातियां अलग अलग आ रही है, अच्छी अच्छी आ रही है ना, क्या आ रही, प्रेसिडेंट स्टेचू ऑफ लिबर्टी। अब आती है ब्लैक नाइट, कैसी नाइट, ब्लैक नाइट इसकी प्रजाति आती है। उसके बाद क्या देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स, क्या देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स इसकी एक वेरायटी देखिए, है ना, किसकी, हमने केना की वेरायटी देखी, क्या, प्रिंस ऑफ वेल्स इसकी वेरायटी देखे,
प्रिंस ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया प्रिंस ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या देखे, पीले रंग की वैरायटी, पीले रंग की वैरायटियों में क्या देखे हमने, वाटर कफ, क्या देखे, वाटर कफ गोल्डन ग्लोरी, वाटर कफ गोल्डन ग्लोरी। इसके बाद क्या देखे, गुलाबी रंग की, गुलाबी रंग की क्या थी, रोजिया अलीपुर ब्यूटी, क्या थी, रोजिया अलीपुर ब्यूटी क्या थी, इसकी वैरायटी थी, किसकी, गुलाबी रंग की रोजिया अलीपुर ब्यूटी इसकी वैरायटी थी। इसके बाद दो रंग हुआ फूल वाली वैरायटी, है ना, दो रंग के फूल वाली वैरायटी की बात करते हैं, तो दो रंग के फूल वाली वैरायटी क्या थी बच्चों, ऑरेंज फ्लेम, है ना, क्या थी, ऑरेंज फ्लेम स्टार ऑफ इंडिया, ऑरेंज फ्लेम स्टार ऑफ इंडिया महाराजा ग्वालियर, है ना, ये सी क्या थी वैरायटियां थी। अब सफेद रंग की बात करते हैं बच्चों, तो क्या थी, आइवरी चाइल्ड, है ना, क्यूनमेरी और माउंट एवरेस्ट क्या थी इसकी, सफेद रंग की वैरायटी थी। तो ये हमने किसके बारे में देखे बच्चों, आज हमने आज देखे किसके बारे में, केना और केना या केली जिसको केना के नाम से जान रहे थे, इनके बारे में, और हमने गुलदावरी के बारे में देखे, है ना। तो हम लोगों ने गुलाब के बारे में देख लिए, ग्लैंडुलस के बारे में देख लिए, है ना, केना वैजयंती के बारे में देख लिए, गुलदावरी के बारे में देख लिए, है ना। तो हमने ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में बच्चों अधिकतर क्रॉप हमने फूल वाली देख ली। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्रॉप देखेंगे अपनी गेंदा, है ना, इसको लूज फ्लावर के रूप में अधिक उपयोग किया जाता है। तो हम लोग अगली क्रॉप में किसको देखेंगे, गेंदा को देखेंगे, है ना। तो आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हो बच्चों, केना समझ में आया आप लोगों को, तो केना समझ में आया बच्चों तो आप लोग कमेंट करते जाइए, है ना, केना हो गुलदावरी हो आप लोगों को मैटर हो या मेरा लेक्चर हो पसंद आते जाए तो आप लोग कमेंट करिए, है ना, और लाइक करिए और शेयर कीजिए, है ना। हम लोगों ने देखे थे आज गुलदावरी के बारे में, इतने अच्छे अच्छे फूल लाए थे, इतनी अच्छी अच्छी वेराइटियाँ लाए आज हमने, है ना, इंपॉर्टेंट वेराइटी, और इंपॉर्टेंट वेराइटियों के बारे में भी आज हमने किसके बारे में देखे, वैजयंती और किसके, केना गुलदावरी के बारे में देखे थे, है ना। तो बच्चों आज आप सभी लोगों को यह लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।